बढ़िया फिल्म ये बनने जा रही है। लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे शूट किया गया? लोकेशन मुंबई, मोस्टली तो मुंबई में ही है एंड देखेंगे हम बाहर भी सोच रहे हैं कुछ गाने शूट करने के लिए। बेसिकली तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मुंबई में ही करने का इसको देखेंगे। स्टार कास्ट में मैम इसमें हैं मिस्टर अली खान जी, मुश्ताक खान जी, हमारे राजपाल यादव जी है, दिलीप केदार जी है, मैं हूँ। हमारे जो डायरेक्टर है, खास करके मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में, मिस्टर राज राजपूत जी, इनकी पहली फिल्म है और एज अ प्रोड्यूसर भी ये बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग। ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में, इसमें हमने पहले की थी बदला हिंदुस्तानी का, ये दूसरी फिल्म है इनक्रेडिबल इंडिया जिसमें मैं मेन लीड कर रहा हूँ इस वक्त इनका एज अ हीरो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि स्टार कास्ट है, ज़्यादातर नए लोग हैं, मिस्टर विजय सिंह पटेल है, रामचरण पटेल भी है, बहुत सारे नए लोग भी हैं इसमें, कुछ लेडीज़ भी है जिनका मैं फ़िलहाल अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन है कौन नहीं है। बट आई विश कि ये फिल्म जो हम लोग कर रहे हैं मिक्स कॉम्बिनेशन में जो फिल्म कर रहे हैं बढ़िया हो, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, इस फिल्म का जो मोटिव है, खास करके जो हम हमारे फिल्म के द्वारा देने जा रहे हैं जो 25%, जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर ने भी ये कहा है कि ये फिल्म का जो बेस है हम अपनी कमाई से इसको देना चाहेंगे जो जवान शहीद हुए। और आज गणतंत्र दिवस भी है 26 जनवरी, तो सबको मैं सारे भारतवासी को हाथ जोड़कर अपनी तरफ से देना चाहूँगा शुभकामनाएँ। इसी तरह मिलजुल कर रहे, भारत अपना अच्छा देश है, बस इसी तरह से आगे बढ़े। और हमारे फिल्म के द्वारा से हम बस ये जताना चाहते हैं कि हम भारतवासी है, बस एक दूसरे के दिल में ही रहना चाहते हैं। मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को, आप सबको, और माफ़ी चाहूँगा मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, ज़रा देर हो गई। और ये इनक्रेडिबल इंडिया के लिए जो है इसके लिए भी बहुत बधाई। और अब शूटिंग शुरू होने वाली है, हम सब कलाकारों को, मुश्ताक भाई को, गोयल साहब को, जितने भी इस फिल्म के थ्रू मेंबर्स हैं उनको सबको इंतज़ार है शूटिंग का, जितना जल्द से जल्द शूटिंग हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ लॉन्च कर दिया है, अब शूटिंग लॉन्च हो तो मज़ा आएगा। मुश्ताक सर क्या कहना चाहेंगे, आज रिपब्लिक डे का मौका है, इनक्रेडिबल इंडिया का फर्स्ट लुक भी लॉन्च हो चुका है और इस मौके पर सारे टीम में आया, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सारे भारतवासियों को नमस्कार और 70वें गणतंत्र दिवस पर सभी भारतवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इतना अच्छा दिन है और इस अच्छे दिन में राज राजपूत ने जो अपनी फिल्म का टीजर रखा हुआ है और इन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। हम हमेशा इनके प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आते हैं और मैं देखता हूँ कि हमेशा जो है काफ़ी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। तो इस शुभ दिन पर इन्होंने जो ये टीजर लॉन्च रखा है, इसके लिए मैं राज राजपूत और उनकी पत्नी रेणुका राजपूत को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और हमारे दोस्त रमेश गोयल हैं, अली साहब हैं, और मैं ये कहूँगा कि अली खान साहब ने माफ़ी मांगी कि मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, तो लखनऊ से आने के लिए माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि लखनऊ से आएँ या बनारस से आएँ, कलकत्ता से आएँ, आप हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं, है कि नहीं, कहीं बाहर कहीं से तो नहीं आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप कहीं से भी आए लेकिन आ गए, टाइम पर आ गए। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी कलाकार इससे जुड़े हुए हैं, जो भी टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो राइटर हों या फाइट मास्टर हों या कैमरा मैन हों या सारे आर्टिस्ट हों, सबसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि राज राजपूत की सक्रियता को देखते हुए और सीरियसनेस को देखते हुए और जिस तरह से वो इस फिल्म के लिए लगे हुए हैं, सारे के सारे लोग अपना पूरा योगदान दें और इस फिल्म को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, हमारे प्रोड्यूसर राज सिंह राजपूत ने हमें मौका दिया यहाँ पर आने के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। टीजर्स का जो रिलीज हो रही है, टीजर्स फिल्म का, उसको मनाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ में मुश्ताक खान, अली खान साहब, तमाम कलाकार है, तमाम टेक्नीशियन है, पूरी मीडिया है, इससे बड़ी और खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राज सिंह जो राजपूत हैं प्रोड्यूसर, उनका मकसद ही ये है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और आज देश का ही दिन है, गणतंत्र दिवस है, आज का दिन सबसे पर्व दिन है, उन्होंने इस दिन पर इस टीजर को लॉन्च किया है। ये उनकी अंदर की सोच बताता है कि मैं देश के लिए हूं, मेरी फिल्म देश के लिए।
तो ये बहुत बड़ी बात है, उनके विचारों को हम सब लोगों को सहायता करते हुए आगे बढ़ाना है और इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह से आगे ले जाना है। शूटिंग होगी, रिलीज होगी, फिल्म सुपरहिट होगी, हम लोग इस बात को फिर मनाएंगे। इस तरह के वो जो प्रोग्राम करते हैं, हम सब लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये उनका बहुत बड़ा दिल है। मैं देखता हूँ इस लाइन में इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है जो इस तरह से गैदरिंग करें, लोगों को बुलाएं और इस तरह प्रोग्राम मनाएं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मालिक करे उनको लंबी उम्र दे ऊपर वाला और इस तरह से वो फिल्म बनाते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और राज राजपूत जी के बारे में क्या कहूं, मतलब कि इनसे कमाल का इंसान मैंने इंडस्ट्री में तो नहीं देखा, जिन्होंने मतलब कि इंडस्ट्री के लोगों को, अपनी यूनिट को, अपने क्रू को, अपने कास्ट को इतना मान सम्मान देते, इतना प्यार देते, जिस मतलब एक फैमिली की तरह प्यार देते हैं, तो ये वाकई काबिल तारीफ है। और जहाँ भी मैं आ जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अमन और शांति का ही मैसेज दे रहा हूँ कि न मरो धर्म के नाम पर, न लड़ो धर्म के नाम पर, बस इंसानियत ही है धर्म, वतन का मरो वतन के नाम पर। थैंक यू सो मच, हैप्पी गणतंत्र रिपब्लिक डे। और जहाँ तक फिल्म का सवाल है, ये इनक्रेडिबल इंडिया मूवी है और इसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राज राजपूत जी, और बहुत ही अच्छी मूवी है। स्टोरी तो नहीं बता सकते लेकिन देखने में पता चलेगा, देश पर आधारित मूवी है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं अपनी पूरी टीम को, राज राजपूत जी को और रेणुका राजपूत जी को और पूरी टीम को, कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो। और इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसका 25% जो इसकी अर्निंग होगी वो देश के जवानों को और देश के किसानों को दिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू जी, बिल्कुल सही। इस फिल्म के ये भी हीरो हैं इस फिल्म में, और बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला है, कहा है इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में, तो बस इन्होंने कह ही दिया है। बाकी दिलीप के बहुत अच्छी फिल्म है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दो चीज़ें कॉम्बो की गई हैं, एक देशभक्ति के ऊपर आधारित फिल्म है, दूसरी बात यह है कि एक हॉरर फिल्म है। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक कोई फिल्म आ रही है जो दोनों चीज़ों को लेके है, तो बहुत ज़्यादा मैं रोमांचक हूँ इस चीज़ को लेके, काम करने को लेके। और फिल्म जैसी बन के आएगी पर्दे पे, देखते हैं क्या होता है। सर आप क्या, बस आपको, सभी मीडिया वासियों को और जितने भी भारत देशवासी हैं उनको सबको सबसे पहले तो गणतंत्र की शुभकामनाएं देता हूँ। और इनक्रेडिबल इंडिया एक बहुत ही अलग सी फिल्म है, और इस फिल्म को फिल्म में ही देखे तो मज़ा आएगा। और भारत पाकिस्तान जो कुछ अतुलनीय भारत जो कहा जाता है तो उसमें सस्पेंड है, तो आप देखिएगा, वहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। गणतंत्र दिवस है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आपके बिना जो आप एक्सपांड करते हैं, जो कुछ है, फिल्म होने दो या कुछ भी स्टोरी होने दो, क्राइम रहने दो, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिल्म के बारे में यह कहूँगा कि ये जो फिल्म है ये खाली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखी जा गई है, देशभक्ति और हॉरर मल्टीप्लेक्स बिग बजट फिल्म है, जो ये फिल्म देशभक्ति के हिसाब से की गई है। और उसका हिस्सा जो है 25% वो मिलिट्री मैंस, जो हमारे आर्मी पर्सन्स है, हाँ आर्मी पर्सन्स और फार्मर्स, जिसके वजह से हम जो खाते हैं, अनाज खाते हैं, उनको नज़र रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है। और आइंदे से भी हमारा प्रोजेक्ट जो है आगे का, वो सब इसी हिसाब से चलेगा। थैंक यू। और आप लॉन्च हुआ 26 जनवरी का अवसर है, उस पर हम सब एकत्रित हुए और इनक्रेडिबल इंडिया मूवी हमारी स्टार्ट हो रही है, बस और कुछ नहीं। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं फिल्म के? बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश, इतना अच्छा लगा देख के। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में इतना अच्छा लग रहा है, शायद मूवी पूरी कैसी होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। टीजर में मालूम पड़ रहा है कि हम मूवी दमदार है, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हमारा जो है टीजर लॉन्चिंग हुआ है बहुत बढ़िया रहा है, और जैसे सबने देखा है, मीडिया वालों ने भी काफ़ी देखा है, तो उसमें दिखाया गया है कि इतनी अच्छी बढ़िया मूवी है जो देशभक्ति के लिए बनाई गई है। देशभक्ति राज राजपूत सर में बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, और हम सभी में ऐसा है कि हम देश के लिए कुछ ना कुछ करें। और ये मूवी को लेके जो भी सर ने बताया है कि हाँ 25% जो भी है देशवासियों में, मतलब किसानों, गरीब और
आर्मी के जो भी है जवानों को उसमें दिया जाए। आपके क्या शुभकामनाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू देशवासियों को बोलना चाहती हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे। एक ऐसा दिन है कि जब हम हमारे सैनिकों जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है उनको बहुत नवाजते हैं। सेकंड थिंग, आज के दिन पे सर ने जो ट्रीजर लॉन्च किया उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि और होप कि ये मूवी सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू सो मच। हाय, आई एम नीलू शर्मा एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर गाइस। एंड ये फिल्म एक देशभक्ति फिल्म है और आज ट्रीजर लॉन्च के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं सब इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी अच्छा ट्रीजर रहा है। अब आगे फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि फिल्म कैसी है। काफ़ी लोगों ने ट्रीजर देखे तो मतलब गुड लक ही दिए हैं, बेस्ट दिए हैं और आगे। थैंक यू सो मच।